शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, कीबोर्ड बेच रहे हो क्या? दिखाइए। ये वाला कीबोर्ड चाहिए? हाँ, ठीक चलता है ना? अरे अच्छा कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज बेचता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई तो वापस कर देना। श्योर ठीक है। इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा ना? इतना सस्ता है, अब इसमें क्या डिस्काउंट दूँ? कितना सस्ता है? 500 रुपए। ये हुई ना बात। दिखने में तो अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मिलते हैं। ओके बाय। यही है, यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है। हाँ। तुम्हें पता तो है ना, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ। हमें एक्यूरेसी चाहिए। हाँ मुझे पता है। अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। hey, तुमने कहा बस स्केचिंग? अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है, तुम्हें और बेहतर करना होगा। देखो जब हमें सही सुराग मिलेंगे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। तुम इतना लाइटली मत लो। ये कैसा है? ये है दूसरा प्राइस। मैंने इन दोनों को बैग से बाहर भी नहीं निकाला। ओके ठीक है, तो फिर शुरू करो। हाँ जल्दी करो जल्दी। तो जैसा तुम पहले बता चुकी हो, हाँ तो वो लगभग 20 साल से कम का है ना? उसकी उम्र लगभग इतनी होगी। हाँ सही कहा। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, लंबे लंबे। और अच्छा? यहाँ हाँ सर, बहुत ही लंबे बाल कंधे थे, तक थे। कंधे तक। और उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें एकदम काली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी या फिर उसकी आंखों के घेरे भी काले थे? मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती है या ड्रग एडिक्ट की होती है। थकी सी आंखें थी सर। और उसकी गंध कैसी थी? ये क्या कुछ भी पूछ रहा है? कोई पिंपल था क्या? शायद पिंपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ उसकी गर्दन पे बाईं ओर यहाँ पे एक निशान था, बिल्कुल डार्क। तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था? एक ग्रिल जैसा, स्क्वायर के आकार का ग्रिल। बस हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सार्जेंट। खैर जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चालाक किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने जो चुराया है वो है कोर i7, या हम उसे हाइपर रेजर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते हैं, और उसके उलझे हुए बाल और उसके शरीर की गंध, ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। आगे बताओ। मुझे लगता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन या फिर कोई गेमर होगा। वो एक बेरोजगार गेमर हो सकता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको गेम सेंटर जाना चाहिए। सबसे तेज़ इंटरनेट वहीं होता है। गेमर लोग इंटरनेट की स्पीड पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक पुलिस वाले हो, क्यों? सही कहा ना? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। एक्चुअली मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना। ओके ओके ओके, ये लो, ये तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें काम के लिए दोबारा बुलाऊंगा। जी शुक्रिया। ओके तुम जा सकते हो। हाँ ओके, नहीं तो लेट हो जाओगे। ये भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जरा देखा ना, एकदम परफेक्ट बनाया है। टैलेंटेड है। हेलो सार्जेंट, वो स्केच वाला आदमी यहाँ ब्रिज के पास एक गली के कोने में मुझे दिखाई दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कौन है बे तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक कीबोर्ड चोर हो है ना? मुंह बंद रख।
मेरा पीछा मत करना। ए रोक, मुझे तेरा टैटू अच्छी तरह याद है, अभी सरेंडर कर। तुझे मैं चोर दिख रहा हूं? चुपचाप सरेंडर कर, मुझे नहीं पता। सरेंडर कर, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे सबक सिखाता हूँ। I'm sorry। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं। मेरा नाम है अमन। मैं एक IT वर्कर, या यूं कहें कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ। मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशियन कहना ज्यादा सही रहेगा। मैं उलझनों में पढ़ता रहता हूँ। मैं चित्रकारी में अच्छा हूँ, आसपास की चीजों का ध्यान रखता हूँ, कहानियों को जोड़ने में माहिर हूँ। मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढूंढ लेता हूँ, और ये भी एक ऐसी उलझन थी जिसने मुझे रोमांचित किया, भले ही ये थोड़ा बहुत खतरे से भरा हुआ था।